देखिए, हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा था होलवेक्स और लिनार्ड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, कि होलवेक्स और लिनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के जो भी ऑब्जर्वेशन थे उनको वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फोटोन थ्योरी मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट है वो इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे वो पार्टिकल है, और वो पार्टिकल जाकर के जब मेटल के सरफेस को स्ट्राइक करता है तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद में मेटल के सरफेस से इजेक्ट आउट होता है, बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम लोग फोटोन थ्योरी से इन सारी जो भी इसके ऑब्जर्वेशन थी इन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आइंस्टाइन ने फिर एक इक्वेशन बनाई जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोला गया, जिसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर इस इक्वेशन को पढ़ने के बाद में हम लोग स्टडी करेंगे कि फोटोन एक्चुअल में क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को किसने डिस्क्राइब किया था? आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब इसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या इस तरह से भी बोला जा सकता है एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। बेसिकली जो लाइट है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट से मिलकर के बनी होती है, मतलब वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये एनर्जी पैकेट टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, थोड़ी सी एनर्जी कैरी करते हैं, और इन एनर्जी पैकेट को क्या बोला जाता है? इन एनर्जी पैकेट को क्वांटा बोला जाता है। तो ये जो लाइट की जो नेचर है जिसको एनर्जी पैकेट बोला जा रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, उन पार्टिकल्स को एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी क्वांटा बोला जाता है, और ये जो एनर्जी क्वांटा है इनका नाम क्या रखा गया? इन एनर्जी क्वांटा का नाम रखा गया फोटोन। तो लाइट के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी कैरी करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से कैरी करेंगे? तो आंसर है सोर्स से कैरी करेंगे, और सोर्स से ये एनर्जी चलेगी, और जिस भी सरफेस पर जाकर के ये फोटोन स्ट्राइक करेगा तो वो सरफेस इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं फोटोन्स की, लेकिन अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको फोटोन के बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी हो सकती है। तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन किया था। फोटोन क्या है? छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो कहाँ से क्रिएट होते हैं? सोर्स से क्रिएट होते हैं, और डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं? जिस सरफेस को जाकर के ये हिट करेंगे उस सरफेस पर जाकर के ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो सोर्स से इन पैकेट्स का क्रिएशन होगा, और सरफेस पर स्ट्राइक करते ही ये पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इन एनर्जी पैकेट को फोटोन बोलते हैं। तो लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, लाइट जो है उसका वेव नेचर नहीं होता है, वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे वो पार्टिकल्स हो, और वो पार्टिकल एनर्जी कैरी करते हैं। एनर्जी पैकेट बोल रहे हैं तो वो क्या कैरी करके लेके जाएंगे? एनर्जी कैरी करके लेके जाएंगे। मास इनका जीरो होता है। कौन सा मास? रेस्ट मास। मतलब कि पार्टिकल जैसे ही रेस्ट में आएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फोटोन्स का रेस्ट मास नहीं होता, जीरो होता है। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो सोर्स है वहां से जब फोटोन निकलेगा तो फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करके लाएगा? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये एनर्जी जो है ये मैक्स प्लांक की इक्वेशन के बेसिस पे लिखी गई है, और मैक्स प्लांक ने इसको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को एमिट करता है। कब एमिट करेगा? जब वो क्या करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा तो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उस समय पर इतनी एनर्जी को रेडिएट कर देगा। तो नील्स बोर के मॉडल में इसका इक्वेशन का यूज किया जाता है। मैक्स प्लैंक ने ये इक्वेशन लिखी थी, और एच यहाँ पर क्या है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। और ये जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कॉन्स्टेंट, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। और न्यू क्या है इस इक्वेशन में? न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन।
एंड ई इज द एनर्जी। तो ये मैक्स प्लांक की इक्वेशन है, इसके बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को बताते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्यों आती है, जब हम उस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो सिर्फ क्या होना चाहिए था, सिर्फ उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी भी होती है, उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, कुछ एनर्जी भी होती है, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो आंसर है वो एनर्जी फोटोन से मिलेगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेसिस पे ये बताया जा सकता है कि जैसे हमारे पास ये मेटल सरफेस है और यहाँ पर मैंने लगा दिया सोर्स, तो सोर्स से रेडिएशन होंगे, लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी, किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, जिसको फोटोन बोला जाएगा, और फोटोन जाकर के जैसे ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि ये मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है, जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को किससे लिखते हैं, फाई नॉट से लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सोर्स लगाया जो कि रेड कलर का था, और यहां से जो फोटोन आ रहा है वो कितनी एनर्जी को कैरी करके लाता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को कैरी करके लाता है, और सामने जो मेटल पड़ी है उसका वर्क फंक्शन भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब ये एनर्जी पैकेट आकर के इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए और वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल के सरफेस से बाहर आने में खर्च हो गए, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के लिए कोई एनर्जी बची नहीं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आएगा मेटल के सरफेस से। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सोर्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाते हैं। पहले एक फोटोन आता था तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलता था, अब 100 फोटोन आ रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो वो उतने ही मेटल से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करेंगे। ओके, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है कि फोटॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, और जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे फिर वो उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करेंगे। ओके, लेकिन इससे एनर्जी नहीं बढ़ रही है, इससे एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अब आप इस मेटल के सरफेस पे सोर्स की इंटेंसिटी को जैसे ही बढ़ाओगे, आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि फोटोन इंक्रीज होते हैं। अब हम एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, एग्जाम्पल चेंज करते हैं, हम लोग सोर्स को बदल देते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो सोर्स है वो सोर्स मैंने कर दिया वॉयलेट कलर का, या अल्ट्रा वॉयलेट कर दिया, अल्ट्रा वॉयलेट लाइट का सोर्स लगाया, और अल्ट्रा वॉयलेट लाइट जब आएगी तो वो अपने साथ कैरी करके लाती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन आ रहे हैं, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है ये आकर के इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हिट करेगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इस मेटल के सरफेस से बाहर आने में खर्च हो जाएंगे, और बाकी की एनर्जी कितनी बची, बाकी एनर्जी बची 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। सो दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी आ रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने में खर्च हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो इतनी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से। तो जितनी एनर्जी आई है उतनी ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क करने में खर्च हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, टोटल 5 एनर्जी आई, 5 एनर्जी यूटिलाइज होगी, ना एनर्जी क्रिएट हुई ना डिस्ट्रॉय हुई। सो दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जो इसके अंदर था, तो जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा तो उस समय पर ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से मेटल के सरफेस की तरफ आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये मेटल के सरफेस तक आता है, फिर इस मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करेगा, तो टोटल एनर्जी 5 मिल रही है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेटल के सरफेस तक आने में खर्च हुए, ये इलेक्ट्रॉन अंदर था, अंदर से सरफेस तक आया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गए, फिर सरफेस से बाहर आने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चले गए, फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती है,
कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जीरो होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी। वो कम क्यों होगी, वो आपको ये क्लियर हो रहा है इस डायग्राम से। जो सरफेस पर था वो बाहर आने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से खुद मूव कर रहा है। जो इस सरफेस के अंदर था उसको सरफेस तक आने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हुए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने में खर्च हुए, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इजेक्शन में ही खर्च हो चुके, बाकी के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये मूव करेगा। तो ये किसने एक्सप्लेन किया, ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। और ये कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, वो फॉर्मूला देखिए क्या होगा। जैसे कि यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर जा रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये मूव कर रहा है, तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, टोटल एनर्जी आ रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए वर्क फंक्शन में और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये मूव करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए वर्क फंक्शन में और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो मैंने वैल्यूज पुट की है, इन वैल्यूज की जगह पर हम इनके नेम लिख देते हैं कि ये क्या था, ये कौन सी एनर्जी थी, ये कौन सी एनर्जी है। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी है, और फोटोन की एनर्जी को किससे लिखा जाता है, एच न्यू से लिखा जाता है, ई से लिखा जाता है। तो आप इस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, ई भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, क्या लिखा जा सकता है, ई भी लिखा जा सकता है इसके प्लेस पे, अभी हम लोग एच न्यू लिख रहे हैं। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, सो दिस इज के मैक्सिमम। ये जो इक्वेशन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें इक्वेशन बनानी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग लिखेंगे के मैक्सिमम, और टोटल एनर्जी है एच न्यू, वर्क फंक्शन में कितना खर्च हो रहा है फाइव नॉट, तो ये फाइव नॉट प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी एच न्यू माइनस फाइव नॉट। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसके बाद में के मैक्सिमम एच न्यू फाइव नॉट, फाइव नॉट इज द वर्क फंक्शन, और ये वर्क फंक्शन कितना होगा इस मेटल के सरफेस से बाहर आने के लिए, वर्क फंक्शन आपको चाहिए होगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, उस फोटोन की एनर्जी है, उस फोटोन की मिनिमम एनर्जी है जिससे इजेक्शन होता है, तो उस एनर्जी को लिखा जाएगा एच न्यू नॉट से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया था, हमने इससे पहले सोर्स रखा था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मतलब की रेड कलर की लाइट। तो जब मैंने सोर्स रखा था रेड कलर की लाइट का, तो फोटोन आता था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन का सिर्फ क्या होगा, एमिशन होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बाहर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहे थे सरफेस से बाहर आने में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरे के पूरे खर्च हो गए। तो जितनी एनर्जी का फोटोन आ रहा था, फोटोन की एनर्जी थी एच क्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब मिनिमम ये फ्रीक्वेंसी है जिस पर इजेक्शन होता है। और ये जो फोटोन आ रहा था, यही फोटोन किसमें खर्च हो रहा है, वर्क फंक्शन में खर्च हो रहा है, तो वर्क फंक्शन को किससे लिखा जाएगा, एच न्यू नॉट से लिखा जाएगा। तो फाइव नॉट की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को और चेंज कर सकते हैं। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से एच कॉमन आ जाएगा, इक्वेशन बनेगी न्यू माइनस न्यू नॉट। इसके अलावा न्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, सी अपॉन वेवलेंथ लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो इक्वेशन चेंज होगी, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच, एच कॉमन आ रहा है, न्यू की जगह पे लिखेंगे सी अपॉन लेमडा, और न्यू न्यू नॉट की जगह पर लिखेंगे सी अपॉन लेमडा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सी कॉमन आ रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो जाएगी एच सी 1/λ - 1/λ0। और एक इक्वेशन और थी, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं h न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, h न्यू माइनस फाइव नॉट भी लिख सकते हैं, और k मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं, k मैक्सिमम को लिख सकते हैं हाफ m v मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं,
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और ये किसके बेसिस पे बनाई गई है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर। जो फोटोन है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर आने में खर्च होती है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो टोटल एनर्जी आई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें खर्च हुए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसको भी बोल सकते हो सेम ही है, बस इसमें हमने फाई नॉट की जगह पर एच न्यू नॉट लिख दिया और उसको इधर शिफ्ट कर दिया तो वो माइनस पे आ गया, ये वाली टर्म बन गई। फिर न्यू की जगह पर सी एफ ऑन लैम्डा लिख दिया तो ये वाली टर्म बन गई। तो आप के मैक्सिमम को ऐसा लिखे या एच न्यू माइनस फाई नॉट से लिखे, एक ही बात है। ये सारी इक्वेशन को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलेंगे, जो किसने लिखी थी? आइंस्टाइन ने लिखी थी। और ये सारी इक्वेशन फोटोन थ्योरी के बेसिस पे लिखी गई है। तो अब हम लोग फोटोन थ्योरी को पढ़ते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं, और फोटोन की प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ वी विल राइट द फोटोन। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और यू कैन से दैट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किस से रिलेटेड है? फोटोन से रिलेटेड है। और फोटोन जो है वो क्या माना जाता है? वो एनर्जी पैकेट्स माने जाते हैं। छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होंगे जो कहां से क्रिएट होंगे? जो सोर्स से क्रिएट होंगे। रेडिएंट एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, रेडिएंट एनर्जी इज बिल्ड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग यूनिट्स, जिनको क्या बोला जाता है? क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी। और ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसी को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड फोटॉन्स, इनको फोटोन बोलते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। सबसे पहली बात, जो फोटोन है वो एक एनर्जी पार्टिकल है। कहां से क्रिएट होगा? तो आंसर है सोर्स इसको क्रिएट कर सकता है। एनर्जी पार्टिकल्स को, एनर्जी पैकेट्स को कौन क्रिएट कर सकता है? सोर्स क्रिएट कर सकता है, और ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। फर्स्ट, ये मैटर से इंटरेक्शन पे, जब इस पार्टिकल का मैटर से, जब लाइट का मैटर से इंटरेक्शन होता है तो लाइट कैसा बिहेव करती है? लाइट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है, और उन पार्टिकल्स का नाम रखा गया फोटोन। तो जब आप सोर्स को, जैसे कि आपके पास एक बल्ब है, आप उसको ऑन करते हो, ऑन करते ही वहां से एनर्जी आती है और वो एनर्जी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और जिस भी सरफेस पर जाकर के टकराती है तो वहां पर एक कॉलिजन होता है। उस कॉलिजन के कारण फोटोन तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अपनी एनर्जी किसको दे जाता है? उस सरफेस को दे जाएगा जिस सरफेस पे वो कोलाइड होगा। ओके, तो मैटर से इंटरेक्शन में, जब मैटर के साथ इन एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, लाइट एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, तो वो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगी, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं फोटोन। सेकेंड, ये जो फोटोन होते हैं उनकी कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को कैसे लिखा जाएगा? तो सेकेंड पॉइंट में हम 2-3 चीजें डिस्कस करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन लेमडा। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एच सी अपॉन लेमडा, वेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.62 × 10⁻¹। एच की वैल्यू यहां लिख देते हैं, 6.62 × 10⁻¹-34
जूल सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ एच एंड दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो फोटोन की ये एनर्जी होती है। सोर्स से अगर वो चलेगा तो इतनी एनर्जी को कैरी करेगा और जिस सरफेस पे जाकर के टकराएगा वहां पर इतनी एनर्जी दे देगा। सेकंड, मोमेंटम। मोमेंटम कैसे हो सकता है फोटोन का? फोटोन के पास तो मास ही नहीं है, फोटोन के पास तो मास ही नहीं है, इसका रेस्ट मास जीरो है। तो जिसका रेस्ट मास जीरो है उनका मोमेंटम पॉसिबल है क्या? तो आंसर है उनका मोमेंटम पॉसिबल है। मोमेंटम के लिए मास जरूरी नहीं है, मोमेंटम के लिए एनर्जी जरूरी है। तो मैं आपको मोमेंटम के फॉर्मूलास बताता हूँ। आप लीनियर मोमेंटम को किससे लिखते हैं? मास इंटू वेलोसिटी से लिखते हैं। और ये जो वेलोसिटी होती है इसको हम लोग सी से लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। जो फोटोन है वो किस स्पीड से चलता है? सी स्पीड से चलता है, तो यहाँ से ही लिख देंगे। एनीवेज अभी हम इसको वी से लिख रहे हैं, तो मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय वी और डिवाइड बाय वी कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर और डिवाइड बाय आ जाएगा वी। mv square is the energy of the particle divided by v is the velocity of the particle। तो momentum के दो formulas होते हैं। momentum का एक formula होता है mass into velocity। जिन particles के पास mass है उनका momentum इस तरह से calculate किया जाता है, लेकिन जिन particles के पास mass नहीं है सिर्फ वो energy carry कर रहे हैं तो उनका momentum calculate किया जाता है energy upon velocity से। एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर तो एवरेज होता है, जो पार्टिकल था वो पहले रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, जब वो मोशन में आया यहाँ पर आकर के वो वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वी है, तो यहाँ पर एनर्जी है जीरो, यहाँ पर एनर्जी है एम वी स्क्वायर। तो जीरो प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, तो हम लोग इसका एवरेज बताते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर उस मोशन वाले पार्टिकल का एवरेज होता है, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। सो एम वी स्क्वायर इज द एनर्जी व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। ओके, तो मोमेंटम के ये दो फॉर्मूलाज होते हैं, मास इनटू वेलोसिटी एंड एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। अब फोटोन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? तो फोटोन के पास मास तो है नहीं तो हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। फोटोन का मोमेंटम लिखने के लिए, फोटोन का मोमेंटम लिखने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। सो इट्स फॉर्मूला विल बी एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। एनर्जी को ई से लिखा जाता है, वेलोसिटी को सी से लिखा जाता है, क्योंकि फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। इसकी जो स्पीड होगी वो सी होगी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो फोटोन का मोमेंटम है ई अपॉन सी। अच्छा, इस मोमेंटम को हम चेंज भी कर सकते हैं, ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एच न्यू लिख सकते हैं। अगर ई की जगह पर एच न्यू लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एच न्यू अपॉन सी, और सी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? न्यू लैम्डा लिख सकते हैं, तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं, एच न्यू अपॉन सी, सी के जगह पर हम लोग लिख देंगे न्यू इंटू लैम्डा, तो ये न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा लैम्डा अपॉन पी। तो एक मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, एक मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तो मोमेंटम के दो फॉर्मूलाज है, ये ई की जगह पे एच न्यू लिख दिया और न्यू सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? न्यू लैम्डा लिख सकते हैं, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा रह जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये बना सकते हैं हम लोग, ई अपॉन सी लिख सकते हैं, एच न्यू अपॉन सी लिख सकते हैं, तीसरा फॉर्मूला लैम्डा अपॉन एच अपॉन लैम्डा लिखा जा सकता है। तो ये तीनों ही मोमेंटम के फॉर्मूलाज है। किसका मोमेंटम? फोटोन का मोमेंटम। तो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, फोटोन का मोमेंटम होता है ई अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी या एच अपॉन लैम्डा। So these are the momentum of photon। इसके बाद में next point, ये इसकी कितनी speed से travel करता है vacuum में? 3×10⁸ meter per second से travel करता है। और ये जो particles हैं ये neutral particles होते हैं। Photon जो है वो electrically neutral है, तो ये electric field और magnetic field से क्या नहीं होंगे? Deflect नहीं होंगे। So no deflection in the presence of electric field or magnetic field।
तो ये जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या नहीं होती, डिफ्लेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, लेकिन मीडियम में इसकी स्पीड चेंज हो सकती है। लेकिन मीडियम में इसकी स्पीड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, एनर्जी नहीं बदलेगी, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी इसकी। और इसके बाद में इसकी वेवलेंथ के बारे में बात करते हैं। फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो कलर होगा, अगर विजिबल लाइट है तो कलर होगा, तो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो कलर होगा वो फिक्स रहेगा, किसमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन मीडिया। अलग अलग तरह के मीडियम में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, लेकिन क्या चेंज होती है, स्पीड जो है वो चेंज हो सकती है। व्हेन द फोटोन विल पास थ्रू मीडिया, मीडिया मतलब अलग अलग तरह के मीडियम, तो फोटोन की स्पीड बदल जाएगी जब वो किसी मीडियम में एंटर करेगा। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना, ग्लास में जब लाइट एंटर करती है तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड से ट्रेवल करती है। तो वैक्यूम में तो स्पीड है 3 × 10⁸, और ग्लास में इसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸। तो स्पीड चेंज हो सकती है, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। स्पीड क्यों चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होने का कारण है वेवलेंथ का चेंज होना। तो जो वेवलेंथ है वो चेंज हो सकती है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, वेवलेंथ बदलेगी मीडियम में तो क्या चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। वेवलेंथ के चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी मीडियम में, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, कलर नहीं बदलेगा उस लाइट का, चाहे वो किसी भी मीडियम से पास हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं इसका रेस्ट मास जीरो होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां लिखते हैं, जो फोटोन होते हैं उनका रेस्ट मास जीरो होता है। ये फॉर्मूला यही लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। नेक्स्ट पॉइंट, सेवन पॉइंट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो। रेस्ट मास को किससे लिखते हैं, एम नॉट से लिखते हैं, और एम नॉट जीरो होता है। तो एम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने दी थी ये रिलेटिविटी थ्योरी। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मास ऑफ द पार्टिकल विल गिवन बाय एम इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है। ये जो डिवाइड में टर्म है इसको इधर ले आते हैं, तो m नॉट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m नॉट का फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग विद स्पीड v मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। फोटोन के लिए क्या होगा, फोटोन के लिए उसकी स्पीड क्या होगी, c ही होगी, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं फोटोन, तो v स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर देंगे, c स्क्वायर पुट कर देंगे। c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ये कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अब जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेस्ट मास आएगा जीरो। जब आप वी की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल सी, तो ये वी की जगह पर जब आप सी लिख देंगे ये कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा। तो फोटोन का जो रेस्ट मास है वो जीरो होता है। इसका मतलब फोटोन जैसे ही मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा वो फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब आपको याद रखना है कि फोटोन्स का जो नंबर है वो कंजर्व नहीं रहता, फोटोन का जो नंबर है वो कंजर्व नहीं रहेगा, फोटोन क्रिएट भी होंगे और डिस्ट्रॉय भी होंगे, नॉट कंजर्व। लेकिन एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। फोटोन का नंबर कंजर्व नहीं रहता, इसका मतलब फोटोन क्या हो सकते हैं, क्रिएट भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास ये सोर्स है, तो सोर्स से ये फोटोन चला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के ये फोटोन आगे की तरफ जा रहा है, सामने आ गया मेटल सरफेस, तो जैसे ही ये फोटोन जाकर के मेटल सरफेस को हिट करेगा अपनी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको दे जाएगा, मेटल सरफेस को दे जाएगा। तो सोर्स से फोटोन क्रिएट होगा और जिस सरफेस पर जाकर के ये स्ट्राइक करेगा जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहां पर ये फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अपनी एनर्जी उस सरफेस में रिलीज कर देगा।
तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, लेकिन फोटोन क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये है फोटोन थ्योरी, ओके। और ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेगा, फोटोन और फोटोन क्रिएट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और नाइन्थ वाला पॉइंट ये लिख देते हैं कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब मैं रेड कलर की बजाय ब्लू कलर की लाइट का यूज करूंगा तो उस केस में फोटोन का नंबर तो वही रहेगा क्योंकि मैंने इंटेंसिटी नहीं बदली। जो रेड कलर का बल्ब था वो भी 100 वॉट का है, जो ब्लू कलर का बल्ब है वो भी 100 वॉट का है, तो पर सेकंड जो नंबर ऑफ फोटोन आएंगे वो 100 100 ही रहेंगे। पहले बल्ब में भी 100 फोटोन आएंगे, दूसरे बल्ब से भी 100 फोटोन आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट वाला बल्ब है वो रेड कलर का था तो उसमें से कम एनर्जी का फोटोन आएगा, दूसरा जो बल्ब था वो ब्लू कलर का था तो उसमें से ज्यादा एनर्जी का पार्टिकल आएगा, फोटोन आएगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन सेम रहेंगे। तो लास्ट पॉइंट ये याद रखना है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होती है। इसीलिए तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशंस थी वो यही तो थी कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता था, और स्टॉपिंग पोटेंशियल के इंक्रीज होने का ये मतलब था कि पार्टिकल अब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही स्टॉपिंग पोटेंशियल का चेंज होना यही बताता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स आते हैं, और ज्यादा एनर्जी के फोटॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे, ओके। तो ये है फोटोन थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और यू कैन से दैट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब इसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया यहाँ पे, और इसको फोटोन थ्योरी से हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब इसके बाद में आएगा डी ब्रोगली हाइपोथीसिस, फोटो इलेक्ट्रिक सेल आएगा, फिर डी ब्रोगली हाइपोथीसिस है, बस एक दो टॉपिक और है फिर चैप्टर खत्म, ओके। थैंक यू सो मच।